जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हासिलपुर के कचहरी चौक में मौजूद हूं। यहां पर थाना सदर के एएसआई नवाज बग्गा के खिलाफ 75 फतेह के रिहायशी मोहम्मद इरफान पर जो उन पर तशद्दुद किया गया, उन्होंने एक आज धरना दिया हुआ है। ये सदर थाना सदर के एएसआई नवाज बग्गा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनकी उनको किन मुश्किलात का सामना है और उनके मुतालबात क्या हैं, उन पर जो तशद्दुद किया गया है उसकी वजह क्या बनी। जी आप ये बताइएगा, आपको किस लिए तशद्दुद किया गया? साडा जनाब भाइयों का मसला सी, टूल दा लड़ाई झगड़ा होया, बग्गा नवाज उसे चला गया। मैं अपनी मियाँ बीवी असी दोवें घर अंदर लंबे पैसे कमरे के अंदर कमरे चला गया, चार पुलिस वाले दे नाल सी, मैं अंदरों लाया मेरे बीवी बच्चों के सामने, ने मेरे नाल तशद्दुद किया, उत्थे मेरे कपड़े उतार ले ने, कपड़े उतार के तो उत्थे कोई मारना शुरू कर दिता। फिर पिंड के बाहरले बाजार च मैनूं इन्हें उत्थे कपड़े उतार ले मेरे, उत्थे इन्हें मैं मारिया, उत्थों मार के फिर थक के अपना थाने लाया। थाने इत्थे कोई तकरीबन कोई डेढ़ दो फुट का छेत्र से जरा उसने कुटते रहे मैं, उत्थे बंदे चार से थाने जाने छे सत बंदे रल गए, कोई मेरी तौन से चढ़ गया, कोई मेरी बाहों फड़ लिया, कोई लत्त फड़ लिया, मेरी सलवार ला कपड़े उतार ले, इन्होंने इन्होंने बहुत तशद्दुद किया मैं। आखिर शहर के लोगों ने आके मैं मेरी जान बचाई। मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब बड़े मेहरबानी मेरे नाल इंसाफ किया जाए, तो लिहाजा इंक्वायरी की जाए बग्गा ए एस आई के खिलाफ। जी इस वक्त हमारे साथ अहले इलाके को अहले इलाके के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो इस बारे में क्या कहते हैं। नवाज बग्गा ने मैं कुर्दा खिलाल वे का इस बंदे ने रफान बोल रहा है पूरा चाक वे खाना ला सारे चाक बजा है लंबा बार है इतने मौजूदा खाया जाए सवार को आई नवाज बग्गा नवाज है और मेरे चाक में जो चाक हुए जो नगा करते ना कोट ते ठाने जाते कोट सदा भाई तो माई है सारे इकट्ठे हो गए जिस नवाज बग्गा को पर माई है नवाज बग्गा ने लड़ा लागे जो सारे चाक इतना जुलम ना कर जुलम कर रहे तो ठाने जा कर एक किसी कातल है या कोई मुलजम है या कुछ तैयारी है कि इन्हों का बिराने का जगह से वो टूल बैग मसला ही ना हो लड़ाई में झगड़ा और कोई मसला मुतालबा नहीं नवाज बग्गा ने चुना ठाने जा तो महाराज मैं तो ठाने के लोग इकट्ठे हो गए मैंने छोड़ा है। आप ये बताइएगा, आप डीएसपी के साथ पेश डीएसपी साहब के साथ सामने पेश हुए और उन्होंने क्या कहा इस बारे में? डीएसपी साहब के पेश होने नहीं दिया मैंने, ऐसे वो साहब पेश हुए, उसने कहा कि तुमको छोड़ दे तब आपको असला लेकर आओ, असला जमा कराओ कोई और तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो चक अटैक पकड़ जाएगा और जब नाम तुम पिस्टल लेकर आए या कोई असला लेकर आए तो तुम्हारे खिलाफ ये डकैती डकूटी के दो पर्चे आपके खिलाफ काट दिए जाएंगे या किसी डकैती के साथ शामिल कर दिया जाएगा। जी इस वक्त हमारे साथ इस एहतजाज की नुमाइंदगी करने वाले सैयद मोहम्मद इकबाल शाह साहब एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये इनकी रहनुमाई कर रहे हैं, ये इन एहतजाज करने वाले को नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी शाह जी आप बताइए। फतेह से मुझे इन्होंने फोन पर इतला दी कि हमारे भाइयों का कोई झगड़ा टेबल के बारे में तो हम बैठ के तय करेंगे, लेकिन दूसरी पार्टी में कोई डाउट है उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं पुलिस को मैं बताऊंगा कि उसने 20,000 रुपया पुलिस को दे के कि इसको आप शरीर में बेइज्जत करें, तो उन्होंने कोई इसके खिलाफ पर्चा नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, तो उसके बावजूद उन्होंने वहां पर घर के अंदर दाखिल होकर औरतों बीवी और बच्चों के सामने मारा, तो ये इंसानियत की इतनी बड़ी तोहीन है कि आसमान भी काम किया होगा। तो उसके बाद बाहर ले आया और उसको बाहर चौक में लटा के फिर नंगा करके औरतों ने भी तौबा तौबा की कि आप ऐसा जरा ना करें, हम खुवातीन कर रहे हैं, आप ऐसा वाक्य क्यों कर रहे हैं, आप चोर या डिकेट नहीं है या कोई ऐसा इश्तेहारी नहीं है, लेकिन उससे कोई बात नहीं सुनी क्योंकि उसके पीछे 20,000 था वो पूरे करने थे। अब आप देखिए कि 20,000 में उसने इतना तशद्दुद किया, अगर कोई 2,00,000 दे देगा तो उसको जान से मार देगा, बिल्कुल इस तरह का ये बदमाश है थानेदार। हमने पहले भी डीएलए साहब को डीपीओ साहब को कहा था, उन्होंने दबावला भी कर दिया था, पता नहीं फिर क्या वाक्य हुआ कि फिर रुक गया। ये इसकी पूरी सर्विस देखिए, इतने सालों से ये हासिलपुर थाने में है और आज तक इसमें कोई मेन आज तक डकैती या ऐसा कोई कारनामा नहीं है, तो इसका काम है आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये ऐसे वाकियात करता है कि ये इंसानियत की वजह से जलील करता है और सामा कल्चर का भी ये बहुत बड़ा नुमा है। जी शाह जी, आप इन एहतजाज करने वालों की रहनुमाई कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका मुतालबा क्या है जी?
सदर